हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू उड़ान इंटरनेशनल स्कूल। माई सेल्फ जय निकिता एंड वी आर ऑन द चैप्टर लिनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। एंड इन लास्ट सेशन वी कवर्ड द टॉपिक्स सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड एंड एग्जांपल 12 P and 13 and exercise 2.3 हमने कल complete कर ली थी। अब next है सम मोर applications, उसमें example 14 आज हम करेंगे। तो let's start। The digits of a two digit number differ by 3 if digits are interchanged and the resulting number is added to the original number, we get 143. What can be the original number? So, two digit number जिसको हम 3 से minus करेंगे और interchange, if the digits और interchange होगा और उसके बाद resulting number के साथ हम add करेंगे ओरिजिनल नंबर को, तो हमें क्या मिलेगा? 143। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा? टेक फॉर एग्जांपल टू डिजिट नंबर से 56। टू डिजिट नंबर को 56 लिया, इट कैन बी रिटन एज 56 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 5 प्लस 6। ओके, सो 50 ऐसे लिख सकते हैं। तो इफ द डिजिट इज 56 आर इंटरचेंज, वी गेट 65। इंटरचेंज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 65। और 10 इंटू 6 प्लस 5 करेंगे तो 65 हो जाएगा। लेट अस टेक टू डिजिट नंबर सच दैट द डिजिट इन यूनिट प्लेस बी, द डिजिट इन द टेंस प्लेस डिफर बाय 3। लेट्स टेक it as b plus 3. So two digit number is 10 b plus 3 plus b is equals to 10 b plus 30 bracket ko ye kar diya plus b, to ye 11 b ho gaya, 11 b plus 3. With interchange of digit the resulting two digit number will be 10 b plus b plus 3 11b plus 3. If we add this two digit number their sum 11 plus karenge to 11b plus 11b plus 30 plus 3 to 22b plus 33, to it is given that the sum of 143, therefore 22b plus 33 is equals to 143. तो 33 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 110. तो 110 डिवाइड बाय 22, तो b इज इक्वल्स टू 5. द यूनिट डिजिट जो हमें मिला 5 है, तो 5 प्लस 3 8 और नंबर इज 85. On interchange of digit, the number we get 58. हमें 58 मिलेगा. The sum of 85 and 58 is 143 as given. Arjun is twice as old as Shreya. Arjun twice ओल्ड है किससे? सीरिया से। 5 इयर्स एगो हिज एज वाज 3 टाइम्स सीरियास एज। क्या है वो? ऑलरेडी उसकी जो एज है वो अभी डबल है सीरिया से, और 5 साल पहले वो सीरिया की एज क्या थी? 5। और अर्जुन की भी 5 एज प्लस हुई, तो 2x प्लस 5 हो जाएगा। एज को सीरिया की एज को एक्स कंसीडर करेंगे तो अर्जुन की 2x हो जाएगी, एंड 5 इयर्स पहले उनकी, सॉरी 3 इयर्स पहले 5 इयर्स ज्यादा थी तो उसकी माइनस हो जाएगी, एंड उसकी भी, सॉरी
5 years ago his age was 3 times Syria's age. तो 5 साल पहले तो x minus 5 and 2x minus 5. ओके तो अर्जुन की एज क्या थी 3 टाइम्स ज्यादा थी तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यों 3 टाइम्स छोटी है इससे तो 2x minus 5 तो 3 into x 3x and 15 यहाँ पे 15 माइनस 5 किया तो एंड यहाँ पे तो x इज इक्वल टू 10 आई तो सीरिया की प्रेजेंट एज 10 है तो अर्जुन की प्रेजेंट एज कितनी हुई 20. अब देखो 2x माइनस 5 20 माइनस 5 15 यहाँ पे रखो 20 माइनस 5 15 एंड यहाँ पे है 10 माइनस 5 5 3 इंटू 5 15. Now we are starting with exercise 2.4. Amina thinks of a number and subtract 5 upon 2 from it. She multiplies the result by 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? So let's assume Amina think a number will be x. Okay, तो question में क्या है कि जो number आएगा answer उसको किससे 8 से multiply करना है और result जो होगा वो 3 times बड़ा होगा same number से. Okay, तो अगर उसको हम 5 बाय 2 जो हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं उसको x से सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं और उसको क्या करना है 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और 3 टाइम्स वही सेम नंबर होगा. ठीक है, तो 8 इंटू x 8x माइनस अगर इसको ऐसे कर दे तो 5 इंटू 8 अपॉन 2 तो ये 2 फोर जा हो जाएगा 3x तो 8x माइनस 5 सॉरी माइनस 20 इज इक्वल्स टू 3x तो ये 3x उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 8x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 20 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस 3 तो 5x is equals to 20 and x is equals to 4. Okay? अब इसको आप x की वैल्यू पुट अप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा. अब क्वेश्चन 2 अ पॉजिटिव नंबर is 5 times another number if 21 is added to both the number then one of the number become twice the other number what are the number. ये जो हमने first example 14 किया था वैसा ही question है. another number को हम assume करते हैं x. तो जो 5 पॉजिटिव नंबर था वो क्या था 5 टाइम्स अनदर नंबर था तो पॉजिटिव नंबर इज इक्वल्स टू 5x. अब क्वेश्चन में बोला है कि पॉजिटिव नंबर को उसमें हम क्या 21 ऐड करेंगे तो 5x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 2 और क्या है न्यू नंबर जो होगा वो ट्वाइस होगा तो x प्लस 21 होगा. ओके, तो इसको सॉल्व करते पहले इसको करेंगे ब्रैकेट को 5x प्लस 21 इज इक्वल टू 2x प्लस 42 तो 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 42 माइनस 21 ये इधर गया एंड ये इधर गया तो 3x is equals to 21 तो x is equals to 7. ओके,
तो अनदर नंबर जो है हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, तो वो हो जाएगा 5 × 7। नाउ क्वेश्चन 3, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एनी टू डिजिट नंबर इज 9। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, इट फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। वॉट इज द टू डिजिट नंबर? अब सम ऑफ टू डिजिट नंबर, दो डिजिट नंबर का जो आंसर होगा वो एक्स होगा, सॉरी 9 होगा, ठीक है। अब उसको इंटरचेंज करेंगे ना, तो जो न्यू नंबर मिलेगा हमें वो 27 नंबर से बड़ा नंबर होगा, तो वो टू डिजिट नंबर क्या होगा? लेट्स चेक। फॉर एग्जाम्पल यूनिट प्लेस पे क्वेश्चन 3, यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर बी एक्स, ओके। तो टेंस प्लेस पे होगा तो वो 9 − x होगा, तो टेंस प्लेस डिजिट इज इक्वल्स टू 9 − x। तो टू डिजिट नंबर जो होगा ना वो 10 टाइम्स से माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि 10 प्लेस से है। एंड यूनिट प्लेस नंबर लिखेंगे प्लस, ठीक है। अब ओरिजिनल नंबर क्या होगा? 10 × 9 − x + x, ओके। तो न्यू नंबर क्या मिलेगा? जो ओरिजिनल नंबर मिलेगा उसमें प्लस होगा। ओरिजिनल नंबर, न्यू नंबर इज इक्वल्स टू ओरिजिनल नंबर प्लस 27। क्वेश्चन में क्या था? जो ओरिजिनल नंबर होगा वो 27 से प्लस होगा, तो न्यू नंबर मिलेगा, ओके। तो 10 × 9 − x इज इक्वल्स टू 10 − x + x + 27। तो 10x, ये माइनस हो जाएगा, 9x + 9 इज इक्वल्स टू 90 − 10x, प्लस एक्स प्लस 2। Wait. 10 x + 9 − x 90 − 10 x + x + 27, then 9 x + 9 is equals to 117 − 9x। ये देखो यहाँ पे 10x से x माइनस हुआ, ये ब्रैकेट ओपन हुआ, तो प्लस माइनस प्लस 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 एंड प्लस माइनस माइनस x। अब ये 10 × 9 = 90 − 10x + x + 27, ओके। तो 10 में से x माइनस हुआ तो 9x, एंड 9x x इट इज 90 + 27 = 117, एंड −10 − 9। तो 9x प्लस ये माइनस है तो प्लस में जाएगा, तो 9x इज इक्वल्स टू 117 − 9, तो 18x इज इक्वल्स टू 108, x इज इक्वल्स टू 108/18, तो 18 6
तो आंसर हमारा x क्या आया 6। तो इसको आप ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू में x की वैल्यू पुट अप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। वन ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। क्या है फर्स्ट जो टू डिजिट नंबर होगा वो टू डिजिट नंबर 3 टाइम्स अदर नंबर से बड़ा होगा, ठीक है। इफ यू इंटरचेंज करोगे टू डिजिट नंबर को तो वो एड होगा रिजल्टिंग नंबर से, क्या मिलेगा 88। ये हमने किया वैसा ही है ये क्वेश्चन, देन ये क्वेश्चन एंड यहाँ पे एग्जाम्पल 14, ये सेम है। तो ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोबोस मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोस प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज कितनी है 6 टाइम्स। लेट सोबोस एज इज एक्स, तो ये 6x हो जाएगा। सोबोस एज 5 years from now will be 1/3 of his mother. तो 1/3 of his mother. What are their present age? तो ठीक है present age find करते। Let Shobo present age बी एक्स ईयर्स, ओके, एंड हर सोबोस मदर बी 6x ईयर, ओके। तो अभी क्या है क्वेश्चन के हिसाब से एक्स प्लस 5 अभी के बाद इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 6x। क्यों 3 टाइम्स बड़ी है ना, तो उनकी भी बड़ी होगी, तो बट हमारी ये एज क्या होगी इसकी 3 टाइम्स से छोटी होगी, ओके। तो यहाँ पे 3 × 2 तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2x, तो फाइव इज इक्वल्स टू 2x माइनस x, तो x इज इक्वल्स टू 5। सोबो की एज अभी क्या है 5 ईयर्स एंड उसकी मदर की 6 टाइम, तो 5×6=30 और 1/3 है तो 30 यहाँ पे होगा, 6×3=30 तो 10 हो जाएगा, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज एन एरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फ्रॉम स्कूल इन मौली विलेज, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। If you interchange the digits of these two digit number and add the resulting number to original number, you get 88. There is a narrow rectangular plot reserved from a school in Mauli village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. At the rate rupees 100 per meter, it will cost the village panchayat 75,000 rupees to fence the plot. What are the dimensions of the plot? ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे एंड आपको होमवर्क दिया वो आप कंप्लीट करना। थैंक यू।